भी बड़ा हरामी आदमी। हाँ अरे सर, वो मैंने वो अपनी गाड़ी के लिए लोन अप्लाई किया था, पास हो गया वो। हाँ क्या कैंसिल हो गया? अरे लेकिन सर मेरा शो बंद हो रहा है, मैं थोड़ी बंद हो रहा हूँ, मैं तो सर हमेशा चलता रहूंगा। क्या मैं सुरेंद्र नहीं हूँ जो हमेशा चलता रहूंगा? अब सर मैं आपको किसी बड़े आदमी की गारंटी दिलवा देता हूँ सर। क्या 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 सुरेंद्र की गारंटी दूंगा तो बात बनेगी? सुरेंद्र सर मुझे पता था एक दिन आप मेरे जरूर काम आओगे। आप महान हो सर, आपके जैसा टैलेंटेड और हैंडसम बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, सच्ची में नहीं देखा। अगर ये बात मैं अपने शो में कर देता तो आज मेरा लोन पास हो जाता। सुरेंद्र यार प्लीज, आई एम सॉरी सुरेंद्र, मुझसे गलती हो गई सुरेंद्र, प्लीज मेरा लोन पास करवा दे, मैं कभी भी अपनी जिंदगी में थबड़ 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 नहीं करूंगा। माय गॉड, फिर बेइज्जती। अरे कृष्णा, अरे तेरी माँ का चाकी नाका। अरे भाई जी, आई लव यू यार, आई लव यू। दोस्तों पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। फिर सुरेंद्र की बेइज्जती, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा। कहाँ मरूँ, इसके तबले के नीचे मरूँ कि? माय गॉड सर, मैं जा रहा हूँ। मेरे शो का घंटा बजट देखो, प्रॉपर्टी तो ढंग की बनाया करो। लेकिन मैं बचूंगा नहीं, मेरे पास बंदूक है, मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। गांव वालों में जा रहा हूं, शर्मा जी मैं आ रहा हूं। अरे शो का बजट इतना कम है कि इसमें गटर का पानी डाला हुआ है इन लोगों ने। अरे कम से कम बिस्लरी पानी डालते तुम लोग। लेकिन मैं फिर भी मरूंगा। अरे कोई मुझे मरने का रास्ता बता दो भाई, मैं किससे पूछूं? हाँ हाँ, मैं कंगना रनौत से बात करता हूँ मैं, क्योंकि क्या वो हर पिक्चर में आत्महत्या करती रहती है, कभी अपने हाथ काट लेती है और कभी अपने आप को गोली मार लेती है। आइए कंगना रनौत, कहाँ है, मुझे टिप्स दो, मैं मरना चाहता हूँ। मरने का मजा तो तब आता है जब इंसान नशे में हो, इसलिए सबसे पहले चरस पी लो। फिर तीन चार गोलियां खा लो और फिर इंजेक्शन लगा लो। अब आ रहा है मरने का मजा। ले तू भी मर ले मेरे तरह हसीन मौत, बार बार जियो। साला इसका हाल देखकर तो मैं शर्म से मरते मरते बचा हूँ। साला एक बार मरना मुश्किल हो रहा है, ये बार बार मरने को कह रही है साली। अरे मैं बर्बाद हो गया, अरे मेरा शो बंद हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। इसकी माँ क्या, कौन मुझे चिढ़ा रहा है, कौन है भाई साहब? पहले डिसाइड कर ले इस गाने पे रोना है या एंजॉय करना है। अबे पहले मैं गंदे गंदे गानों पर भी एंजॉय कर लेता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ। ये क्या हो गया तुम्हें, क्यों फेंकी बातें कर रहे हो? मैं कम से कम बातें तो कर रहा हूँ, डेली शो बंद होने के बाद वो भी नहीं कर पाऊंगा। खबरदार, मेरा डेली शो बंद नहीं हो रहा है, आज भी नंबर वन है। अरे मैं तुम्हारा नहीं, अपने कॉमेडी के डेली शो की बात कर रहा हूँ। तेरा डेली
डेली सोप कौन से चैनल पे आता था? तुम्हें भी नहीं पता? अरे तो बहुत अच्छी बात है कि ये शो बंद हो रहा है। लेकिन डार्लिंग तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे आजकल ना मैं अपने सीरियल में ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश गरीब हुई हूँ, और मैंने सुना टेलीविजन इंडस्ट्री के तुम सबसे बड़े गरीब हो, कुछ टिप्स दो ना। ये देख लो, गरीब होके इतनी सेटिस्फाइड है कि गरीब बनने की अब टिप्स चाहिए इसे। एक तो मेरा शो बंद हो रहा है और कैसे कैसे लोग आ रहे हैं मेरे को। चल चल बकवास बंद करो, बता तेरा शो बंद क्यों हो रहा है? अभी यहाँ पर केबीसी शुरू होने वाला है। केबीसी? मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे कॉल भी आई है। सच्ची? हाँ। मुझे भी ले चलो फिर। एचआर एडवांस स्पॉट बॉय पूरे हो गए। अब नहीं, मेरा मतलब मैं भी खेलूंगा। स्पॉट बॉय को कौन खेलने देगा बुद्धू? अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अपने देश के नेताओं से तो मैं अच्छा हूँ। अरे बिना करप्शन के मैंने ये शो चलाया है, तालियां मेरे लिए। देश की बात कहां से आ गई बीच में? अबे नेशनल चैनल है, सारी बातें अपनी करूंगा तो शो कौन देखेगा? बेवकूफ, ये बात तुझे अब समझ में आ रही है जब तेरा शो बंद हो रहा है? देखो जले पे नमक मत छिड़को, और मुझे अभी कौन बनेगा करोड़पति में ले चलो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ठीक है चल। आज मैं पहली बार अमित जी से मिलने जा रहा हूँ। अबे बेवकूफ, यहाँ पर आकर ना उनकी मिमिक्री मत कर, वरना बहुत मार पड़ेगी। अबे वो बहुत अच्छे आदमी, वो मारते नहीं है। वो नहीं मारेंगे, शो वाले मारेंगे। खोदा पहाड़ निकला चूजा, साला चूहा तो फिर भी इंटेलिजेंट होता है। ये आदमी साले, तू यहाँ पर भी बैंड बजाता है? बाजी, मैं यहाँ पर बजाने नहीं, मैं यहाँ पर खिलाने आया हूँ बाजी, मैं इस शो का होस्ट हूँ बाजी। सुरेंदर, तुम होस्ट हो? सुरेंदर, ये सच में तेरा शो है? हाँ बाजी, अगर तुम अपना केबी से बना सकते हो तो मैं क्यों नहीं बाजी? अरे मेरी मति मारी गई थी। क्यों मैंने इस चूहे की बेइज्जती की, इसे स्टार बना दिया। अरे भगवान, नहीं छोड़ूंगा मैं अपने आप को, नहीं छोड़ूंगा। बाजी खुद को क्यों मार रहे हो बाजी? अपने आप को मत सजा दो बाजी, मैं दूंगा। इसको खेलने देता हूँ। हाँ, हाँ, खेल दो, लेकिन पहले मुझे तो सीट पे बिठा दो। आओ सुरेंद्र, जिंदगी खराब हो गई, इसके साथ हॉट सीट पे बैठना पड़ रहा। शुरू करते हैं सुरेंद्र का केबीसी बाजी, 1000 रुपए का पहला सवाल बाजी। बाजी ये बताओ, एक पैंट सूखने में 1 घंटा लगता है, तो 3 पैंट सूखने में कितने घंटे लगेंगे फाजी? ए 1 घंटा, बी 2 घंटा, सी 3 घंटा, डी कभी भी नहीं फाजी। सुरेंद्र पाजी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये पैंट जो है ये लेडीज की है या जेंट्स की? इससे क्या फर्क पड़ता है बाजी? जेंट्स की पैंट होगी तो मैं जवाब दूंगा, और लेडीज की पैंट होगी तो ये जवाब देंगी। अरे लेकिन मैंने कभी पैंट धोई नहीं है। क्या बात कर रही हो, बिना धोए पैंट पहनती हो तुम? छी, मेरे घर पे नौकर चाकर है धोने के लिए, और जब से मैं गरीब हुई हूँ तब से मैंने पैंट पहनी नहीं। ओ लगता है पाजी आपका ट्रक आ गया। नहीं टाइम अप पाजी, पाजी टाइम अप बोला है, हैंड्स अप नहीं, मैं जीत गया पाजी, मैं जीत गया, मैं जीत गया पाजी। अरे लेकिन केबीसी में टाइम लिमिट नहीं होती। लेकिन पाजी अभी है। चलो अगला सवाल शुरू करते हैं पाजी, ये बताओ आज शाम को कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, नहीं।
तो चलो कॉफी पीने जाते हैं पाजी। ये कैसा सवाल है? अरे पाजी, ये पर्सनल सेटिंग वाला सवाल था पाजी। असली सवाल तो आप पूछो। 2000 रुपए का अगला सवाल पाजी। ये बताओ भाजी, इंग्लैंड में सुबह कब होती है? अरे जब से मैंने कॉमेडी का डेली सोप किया है, साला मडेलैंड जाने के पैसे नहीं तो इंग्लैंड के बारे में पूछ रहा। तुम्हें पता है? नहीं, मुझे ये सुबह वाले सवाल वैसे भी समझ में नहीं आते। अगर रात की होती तो बता भी देती। भाजी, तुम्हारे पास 2 लाइफलाइन है भाजी। 2 लाइफलाइन है? केबीसी में 4 लाइफलाइन होते हैं सुरेंदर। पाजी, हम आदमी के औकात के हिसाब से उन्हें लाइफलाइन। फोन ऑफ फ्रेंड में जाना चाहूंगा सुरेंदर। अबे साले, इतना घटिया शो करने के बाद तेरा कोई दोस्त बचा भी होगा क्या? बचा है मेरा घटिया दोस्त, मेरा सुदिया सुदेश। तो चलो पाजी, कृष्णा के फ्रेंड को फोन लगाया जाए। मेरी साहब, मैं सुरेंदर बोल रहा हूँ केबीसी से। सुरेंदर तू बोल रहा है? तुझे किसने बोलने दिया? मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाजी। यार तू किसी से एड्रेस पूछ ले, बंदा तुझे वो नहीं बताता, तेरे सवाल का जवाब कौन देगा? चल बोल, क्या बोलना था? भाजी, आपका एक फ्रेंड मेरे साथ हॉट सीट पे बैठा है, उसका नाम है कृष्णा भाजी। क्या कुत्ता, उसका नाम मत लेना वरना यहीं से फोन फेंक के मारूंगा। कितना घटिया शो बनाया उसने, उसने मेरा नाम मिट्टी में डाल दिया है। उसे हॉट सीट पे नहीं, उसे तो गरम तवे पे बैठना चाहिए सर जी। ऐसा मत बोलो लहरी साहब, मैं यहाँ पर केबीसी खेल रहा हूँ। कोई फायदा नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुझे, तू पहली बॉल पे ही आउट हो जाएगा। ये तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन? लहरी साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा जवाब है ना? अब सवाल तो पूछने दीजिए। डार्लिंग, तुम कुछ भी पूछो मेरा जवाब होगा हाँ। अरे लहरी साहब, सिर्फ इतना बता दीजिए कि इंग्लैंड में सुबह कब होती है? सर जी बात पता है क्या है, मैं अभी इंग्लैंड में हूँ और इधर सुबह ही हो रही है सर जी। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। इंग्लैंड में इस वक्त सुबह होती है सुरेंदर। हाँ जी, तभी मैं सोचूं, जब भी मैं इस समय मेरी बहन को उधर फोन करता हूँ, वो मुझे गुड मॉर्निंग क्यों कहती है बाजी। थैंक यू बाजी, आपने मेरी नॉलेज बढ़ा दी। हाँ पक रहे हो सुरेंदर, अरे तुमने तो कहा था कि ये सवाल 2000 रुपयों के लिए है। हाँ जी, हर महीने इंग्लैंड फोन करता हूँ, 2000 रुपए खर्च हो जाते बाजी, तो हुआ ना 2000 रुपए का सवाल। इसका मतलब इसने कुछ नहीं जीता? अरे डार्लिंग, ये घटिया आदमी हर शो में मेरी बेइज्जती करता है, इससे तो मैं 1 पैसा न चुकाऊं भाजी। क्या? लेकिन अपने केबीसी में मैंने सारे जवाब दिए और मैंने सारे पैसे जीत लिए भाजी। क्या? इसका मतलब तुम हैंडसम होने के साथ साथ अमीर भी हो? फिर तो मैं तुम्हारी ये क्या कर रही हो? चुप कर गरीब कहीं का। डार्लिंग चलो ना। चलो ना, और तू यहाँ पर अकेले बैठ के कर। चले जाओ सालो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेला शो नहीं चला सकता? मैं इतना टैलेंटेड हूं कि मैं अकेला चलूंगा। क्या देख रहे हो, ये लो चल लिया। बात है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं बौखला गया हूं, पागल हो गया हूं, कि मेरा शो ऑफ है, जा रहा है, बंद होने वाला है? हैं साला, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग कहते हैं कि कुछ हटके करो कृष्णा, और हटके तो मेरे डायलॉग होते नहीं, आप तो जानते हैं भाई।
मेरे शो की प्रमोशन नहीं हो रही है। सुरेंद्र की बेइज्जती करना, इसकी माँ का शाकिना का, इसकी माँ का रामू का। तो मैंने सोचा कि मैं हट के क्या करूं, तो मैंने हट के ये कपड़े पहन लिए हैं। और आप लोगों को एक बात सीरियसली बता दूं मैं, आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा शो चल नहीं रहा है? वो तो मैं मजाक और कॉमेडी के लिए कहता था कि हमारी टीआरपी नहीं आ रही और ऐसा वैसा। अरे हमारा शो बहुत बड़ा हिट है, क्यों सुरेंद्र? और दूर दूर से चिट्ठी आई है हमको। पहली चिट्ठी आई है शिमला से, लिखा है कृष्णा तेरी माँ का साकी ना का। अरे यार ये सुरेंद्र के एड्रेस की चिट्ठी मुझे क्यों भेज दी इन लोगों ने, हटाओ। हाँ दूसरी चिट्ठी भी आई है, और दूसरी चिट्ठी भेजी है शर्मा जी ने। अरे क्या बात है, शर्मा जी की चिट्ठी आई है। शर्मा जी लिखते हैं, कृष्णा तुम्हारा शो बहुत हटके है और इसमें जो तुम हट हटके परफॉर्मेंस देते हो वो मैंने आज तक किसी भी शो में नहीं देखी। थैंक यू शर्मा जी। वो रशियन डांसर का क्या परफॉर्मेंस था, आहा हा, उसे देखकर तो पानी आ गया मेरे मुंह में। और इतना पानी आया कि दिल्ली में बाढ़ आ गई है।